मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों वर्ष 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब है, जानिए सही दिन व तारीख क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि क्या है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी और वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का क्या महत्व है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मित्रों हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु का 23वां अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर व्रत और पुण्य कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों अब वैशाख पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में या घर पर पानी में 2 बूंद गंगा जल डालकर स्नान करें। घर के मंदिर को पूरी तरह से साफ करें और गंगा जल छिड़कें। सभी देवी देवताओं का आह्वान करके प्रणाम करें। अब सबसे पहले भगवान विष्णु की तस्वीर या फिर प्रतिमा पर हल्दी से अभिषेक करें तथा उन्हें तुलसी अर्पित करें। भगवान विष्णु की हर पूजा में तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा और आरती करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और खुद व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए रात को चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा पर जल अर्पित करें और व्रत का पारण करें। मित्रों आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 काम जरूर करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी जलाशय कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 या 7 जरूरतमंद व्यक्तियों को और ब्राह्मणों को शक्कर के साथ तिल देने से पापों का क्षय होता है। मित्रों अब पूजा करने का शुभ मुहूर्त को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। मित्रों अब आपको बता दें कि वर्ष 2025 में वैशाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 11 मई 2025 को रात 8:04 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई 2025 को रात्रि 10:28 पर।